नमस्कार, इन सीन के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। चर्चाओं का दौर यहाँ पर हमेशा चलता रहा है। आज भी हम एक ऐसी परिचर्चा के साथ में आपके समक्ष हैं, अहिंसा परमो धर्म। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें ये मौलिक संदेश दे गए हैं। कुछ ऐसा ही विषय है आज इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोरोना की महामारी पर गांधी विचारधारा कितनी सार्थक हो सकती है, आज इस चर्चा के साथ में इस मंच पर आज हमारे साथ में मौजूद है श्री प्रकाश अर्जुनवार जी, जो कि मुख्य संयोजक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के संस्थापक सचिव आप हैं, एकता सामाजिक शिक्षण संस्था गढ़चिरौली के आप संस्था अध्यक्ष हैं और मार्कंडेय लॉ कॉलेज गढ़चिरौली से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रकाश जी। प्रकाश जी आप सुन पा जी, इसके साथ में हमारे साथ में है हमारे नागपुर के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामकिशन जी ओझा। इसी के साथ में आप प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्थान के भी अध्यक्ष है। ओझा जी आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। और हमारे साथ में है NBCN न्यूज के एडिटर इन चीफ इमरान शेख सर। जी इमरान जी का भी मैं नमस्कार। स्वागत करता हूँ। आइए मैं सीधा चर्चा की शुरुआत करता हूँ प्रकाश अर्जुनवार सर से। आज की जो महामारी का जो दौर है, पूरा विश्व जो है एक प्रकार की एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है प्रकाश सर। ऐसे बीच आपको ऐसा कैसे लगता है कि गांधी जी की जो विचारधारा है, जिन्हें सारा विश्व भी मानता है, वो विचारधारा आज की परिस्थिति में कितनी सार्थक हो सकती है प्रकाश जी? जी महोदय, मैं मुझे आपने इस लायक समझा और मुझे आपने अपने यूनिवर्सिटी में जोड़ा है और गांधी विचारों को समझने की हम लोग सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। मैं उसका आभार भी व्यक्त करता हूँ सबका। जी गांधी विचारधारा और गांधी दर्शन, इसके दो पहलू हैं, एक नैतिकता और एक मौलिकता। जी और एक कोरोना काल में पूरे विश्व में दोनों चीजों का ह्रास होते हमने सबने विश्व में देखा है। और कोरोना ने सिखा दिया है कि कोरोना में नैतिकता और मौलिकता की बहुत परम आवश्यकता आ चुकी है। जी नैतिक जीवन जीते हैं, मौलिक विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं हम, तो कोरोना महामारी बहुत छोटी साबित होगी यदि हम इन्हें कोरोना की परवाह ना करते हुए दूसरों की परवाह वह चिंता अपन ने करना चाहिए। जो गांधी जी ने युद्ध के समय में भी युद्ध के घायल मरीजों का, घायलों का, सैनिकों का उन्होंने इलाज किया था। और कुष्ठ रोग जैसे महामारी, ये कोरोना से भी बड़ी महामारी आज भी है कुष्ठ जी रोग। तो कुष्ठ रोगों की महामारी का भी सेवा गांधी जी ने जो किया था, जी तो उनके दौर में गांधी एक का कुष्ठ रोग की आज जो महामारी फैली थी। जी, तो उस समय का वो दर्शन हमें याद है और हमने पुस्तकों में, लेखों में पढ़ा है। आज भी जी कुछ लोग कई शहरों गांव में हमने देखा है, मेरे आजू बाजू में भी कुछ लोग है। तो उस पर हमने ये देखा कि कुछ लोग भी एक महामारी वाली ही मतलब बीमारी के रूप में था। तो कोरोना कोरोना भी उससे बड़ा नहीं, कोरोना को भय से ज्यादा बड़ा बना दिया गया है, कोरोना को डरा दिया गया है। कोरोना से मैं आपका ये कहना है कि कोरोना की जो महामारी, ये महामारी उतनी ज्यादा भयानक नहीं है जिसका भय इतना दिखाया जा रहा है। हाँ, तो उसकी शुरुआत ही अपने देश में हुआ है। जैसे कि नवंबर और दिसंबर में चीन से कोरोना का जन्म हुआ था और 31 जनवरी को हमारे भारत में उसका आगमन हुआ था। 31 जनवरी में जब भारत में आगमन हुआ था, तो हमारी सरकार को, हमारे देश के बौद्धिक वर्ग को, आला अफसरों जी को, देश के समाज सेवकों को, देश की अनेक राज्यों की सरकारों को कोरोना से लड़ने का एक समय मिला था। जी लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश के राज्यों की सरकार, हमारे देश का जो आला अफसर है, इन्होंने उसको दुर्लक्ष किया। प्रकाश जी, एक सवाल और सवाल मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा। मैं ओझा सर के पास में, ओझा सर से भी आपने जो बात कही उस पर उनके पे मैं विचार जानना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले आज जो सामाजिक स्थिति, आज जो पारिवारिक स्थिति जो बनी हुई है कोरोना के पार्श्वभूमि पर, इसमें एक संगठन की आवश्यकता है, इसमें एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। इस एकजुटता में भी जहां हम कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग एक डिसिप्लिन होना चाहिए, गांधी दर्शन की विचारधारा इसमें कैसे, क्या क्या कहती है, क्या क्या संदेश देती है ऐसे मौके पर परिवार को, समाज को क्या संदेश देती है गांधी विचारधारा, कि किस तरह से हमने कोरोना के महामारी में किस तरह से हमने पारिवारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर सामना करना चाहिए इसका?
प्रकाश जी हाँ मुझे बोल रहे हैं जी। तो उसमें वही है, गांधी जी की विचारधारा यहाँ पे भी लागू होती है। गांधी जी ने स्वच्छता पर बहुत सारा काम किया था जी और अस्पृश्यता में भी काम किया था, जी तो वो कोरोना में भी अस्पृश्यता और स्वच्छता दोनों बातों को हम जोड़ सकते हैं। जी और अस्पृश्यता का मतलब ये है कि छुआछूत उस समय का दौर था, कोरोना का भी वही है। ओझा सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आज की पीढ़ी और जो गांधी विचारधारा है, आज की पीढ़ी गांधी विचारधारा का कितना समर्थन कर सकती है या कितना उसने करना चाहिए? आपने आपने प्रकाश सर की बात सुनी, मैं उसके जी परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। पहले तो इस चीज पे मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा जी जी कि महात्मा गांधी के विचार और महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी जी वो कोई उदाहरण नहीं है, वो एक प्रासंगिक है। जी गांधी जी का जीवन, गांधी ये नाम जो है इस विश्व के अंदर जिस तरह से गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी का रहन सहन, गांधी जी की अहिंसा मार्ग, अहिंसा का मार्ग, गांधी जी का धर्म के प्रति, समानता के प्रति बातें, एक प्रासंगिक है। ये देश में, विदेश में ये कहीं मरने वाली चीजें नहीं है। गांधी एक शब्द में ही एक ताकत है जी। अगर गांधी जी के बारे में पहले बात करें तो उन पर कुछ रोशनी अगर हम डालें तो गांधी जी का जब अफ्रीका से जब आगमन हुआ था उस समय जिस तरह से अफ्रीका में उन्होंने अपने विचारों के द्वारा वहां के लोगों में एक आजादी की भावना, समानता की भावना और उस देश को आजाद कराने के लिए जो अहिंसा का मार्ग उन्होंने वहां अपनाया था जी, वो बहुत सफल रूप से वहां हुआ जी। आप अगर गांधी जी का जीवन भारत देश में देखें तो गांधी जी जब इस देश में आए और मुंबई में जब उन्होंने अपना पैर रखा और देश की परिस्थिति को जाना, और गांधी जी बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। गांधी जी जो सोच लेते थे, अगर उनके विचारों को अगर वो ठान लेते थे तो उस विचारों से वो डगमगाते नहीं थे। ये सबसे बड़ा उनका बहुत बड़ा गुण था, व्यक्तित्व का उनका जो पहलू था, ये भी सीखने वाली बात थी, सीखने वाली बात थी। और उनके विचार, उन्होंने इस देश में आकर जब इस देश की गरीबी देखी, इस देश के अंदर उन्होंने, आप अगर बीमारी की अगर बात करें तो आज से 100 वर्षों पूर्व 1920 के आसपास महामारी हमारी इस विश्व के तौर पे आई थी जी। महामारी के थोड़े ही अंतराल के बाद गांधी जी का इस देश में आगमन हुआ। गांधी जी ने आते ही जब इस देश के जो हाल चाल देखे, अंग्रेजों की प्रताड़ना देखी और एक मानव जाति का कहीं न कहीं गलत व्यापार हो रहा है, मानव जाति कहीं न कहीं पीछी जा रही है, वो देखकर उनका मन बड़ा व्यथित हुआ और उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए जी। वस्त्र त्यागना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम 4 दिन तक कपड़े नहीं पहने तो हमें कैसा लगता है। उस व्यक्ति ने वर्षों न वर्षों सिर्फ एक पंचे में अपना जीवन व्यतीत किया। उसको भी हम कोरोना से जोड़ के मैं आपको बाद में मेरा रेफरेंस दूंगा जी। तो इस तरह का व्यक्तित्व था। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े बड़े नेताओं को जोड़कर, चाहे उसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ले लीजिए, चाहे शाह गांधी जी ले लीजिए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने समर्थन दिया। कुछ समय उनके विचार और आपस में मिले नहीं, लेकिन जब येरवडा की जेल में उनकी दोनों की बैठक हुई उसके बाद उनके विचार सहमत हुए और उन विचारों के आधार पर उनकी बात को समर्थन किया गांधी जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो गांधी जी का प्रासंगिक होना इस विश्व के लिए और हम हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए भाग्य की बात है कि ऐसा भाग्य विधाता हमारे देश का में जन्मा था और उस देश में जन्म के उसने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने सही कहा जी, मैं आपको टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने जो प्रासंगिकता की बात कही, ये जो प्रासंगिकता थी वो उस वक्त भी उतनी प्रैक्टिकली काम कर रही थी और वही प्रासंगिकता आज भी उतनी कारगर साबित हो सकती है, बशर्ते कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें जी। अगर हम इस व्यक्तिमत्व को, महात्मा गांधी जी के नाम को या उनके आचारों विचारों को या जिस आधार के ऊपर इस भारत देश का की आजादी दिलाई उस व्यक्ति, उस चीज को लेकर हम आगे चलें तो कोरोना में अगर हम उस चीज को, ये सामाजिक बातें हैं, समाज में आज आपको ये बात माननी पड़ेगी। कोरोना जैसी महामारी ने ये चीज तो हमें सिखा दिया
कि जो हम बड़े बड़े प्रपंचों के अंदर जी रहे थे जी, उस प्रपंचों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सादगी के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। अगर हमारे पास दो कपड़े हो, रहने के लिए छोटा सा मकान हो, बहुत ज्यादा दिखावा ना हो, और सादा दाल चावल रोटी सब्जी हो, और कम से कम खर्चे में हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये इस महामारी ने हमें बता दिया है। सादगी पूर्ण जीवन हम जी सकते हैं। सर ओझा सर, आपसे एक इसी विषय पे प्रश्न था कि आप हम जी सकते हैं, कर सकते हैं, ये अपने पहले भी देखा कि जब गांधी जी थे जिस टाइम में महामारी आई थी उसके बाद उन्होंने ये किया, मगर आज की स्थिति में कितना संभव है उसको उसका पालन करना, जहां 16 लाख कोरोना पॉजिटिव खुद में सॉरी इंडिया में है, और देश के बड़े बड़े देश इस मामले से जूझ रहे, तो अब किस तरह को हमें इसको मतलब अमल में लाना चाहिए, और ये कितना पॉसिबल है आज के कंडीशन में? जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं इसी सवाल की अपेक्षा इस समय कर रहा था, मुझे भी ये इस चीज पे बात करना अत्यंत निहायत ही जरूरी, ये समय की मांग। इमरान भाई आपने आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस समय देश बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है जी। आपने ये भी सही कहा कि ये 16 लाख मरीज और संक्रमण मरीज हमारे इस देश में आए, जिसमें करीब 50% के आसपास ठीक हो गए जी। ये आने का कारण और ये रुकने का कारण, ये दो चीजों पर हमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी। ये आने का कारण भी यही था कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जो एक मानव जीवन में और एक अच्छे जीवन के अंदर अपन जी सकते हैं, बट उसको नकार के हमने ऐसे प्रपंच हमारे आसपास पाल लिए, जिसके कारण हमारी खुद की जीवन, हमारी खुद की लाइफस्टाइल जो हमारे हाथों में नहीं रही, मल्टीनेशनल्स के हाथों में चली गई, या हम आके अगर हम आके हमारे माता पिता के साथ बैठ के चर्चा करते थे तो हमने सीधे आके इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो टीवी पे दिखते हैं उसके पीछे लग गए। सॉरी मैं इस माध्यम को के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन इस तरह के कई प्रपंच इस दुनिया में मानवीय प्रपंच के अंदर हमारी जीवन की जो प्रणाली है, जो जीवन की हमारी रेखा है, वो कहीं ना कहीं आड़ी उछड़ी मुड़ती गई, और जिसके कारण हमारा खुद का जो सेल्फ अनुशासन है, जो कि गांधी जी के जीवन में था, जो सेल्फ अनुशासन जिसको बोलते हैं, कि अगर हमने जो सोचा है, अगर हम सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, हम उठते हैं क्या, क्या हम उठे हैं? अगर 5 बजे उठकर हम सुबह सुबह अपना जो भी अपना क्रिया करनी है करने के बाद हम सुबह अपने आसन करें, हम सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करें, या जो भी जिस धर्म के माध्यम से जो भी जिस तरह की सुबह की जो क्रिया करता है आदमी, भगवान को पूजा करना है या नमाज पढ़ना है या प्रभु यीशु की प्रार्थना करना या किसी भी तरह का जो भी काम करता है, तो ये जो अनुशासन हमारे जीवन में था, जो उस काल में था, उस काल में न होने के कारण आज हम इस पोजिशन में थे कि हम आने वाली चीजों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इस कगार पर इस बीमारी के पहुंचे। अब दूसरा आपका सवाल था कि इसके इस समय हम इसको कैसे धारण करें। अभी मैं ये चीज, हम मेरी बात से आप सहमत भी होंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ जी, लॉकडाउन करने का उद्देश्य था कि इस चेन को तोड़ा जाए, कोरोना जिस तरह से हम मिलना, हाथ जोड़ना, रोज रात में पार्टियां करना, या अपने दिखावे के लिए हजारों लोगों को भोजन पे बुलाना, या हजारों लोगों के लिए बड़ी बड़ी सभाएं करना, या घरों में गले मिलना, एक दूसरे हस्तांदोलन करना, या एकदम नजदीक से बातें कर, जो भी व्हाटएवर, ये सब चीजें बहुत सारी, श्रृंखला तोड़ना एक जो सही उद्देश्य वही था कि श्रृंखला टूट जाए। हाँ, जिस माध्यम से श्रृंखला बन रही थी उस माध्यम को तोड़ना जी। श्रृंखला तोड़ने के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के पश्चात मार्केट बंद हो गए, जाना आना बंद हो गया, खान पान की वस्तुएं हमें कम मिलने लगी, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, फ्रूट हो। हम जो हफ्ते में जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न लोग हैं, जो बेचारे हफ्ते में 4 बार जाके कम से कम 2 बार चॉकलेट तो लाते थे या आइसक्रीम खाते लगा, पत्नी भी सहयोग देने लगी, व्यक्ति भी सहयोग देने लगा, तो जब उस व्यक्ति ने महीने का हिसाब लगाया तो मुझे ये महसूस हुआ होगा कि हम कम से कम खर्चे में रह सकते हैं। और यही जो मेरा विश्लेषण कहने का था कि
भी अगर महीना भर लॉकडाउन मीटिंग है या कहीं आपको फाइट लेने जाना है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें हमें कम समय में ये चीजें सीखने मिली कि हम कम से कम समय में और कम से कम कपड़ों में, कुछ लोगों ने दो हाफ पैंट पहन के रखा हुआ, किसी ने पजामा पहन के रखा, किसी ने शर्ट पहन के रखा, किसी ने बनियान पकड़ के एक महीना निकाल लिया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमने कम से कम कपड़े में, उस समय हमें कोई कपड़े ध्यान नहीं आए कि हम सूट बूट पहने, उस समय हमें पिज्जा ध्यान नहीं आया, उस समय आइसक्रीम ध्यान नहीं आई, उस समय हमें चिकन बर्गर बाहर जाकर खाना याद नहीं आया, माँ का हाथ का बना हुआ खाना, अपने घर का स्वस्थ वर्दी खाना हमने सादगी पूर्ण जीवन जीना हम लोगों ने सीख लिया था। कहीं ना कहीं सभी सभी मायनों में, खाने पीने की बात करें, रहन सहन की बात करें, या हमारे जो सामाजिक जो चलन वलन था, सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी, उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सादगीपूर्ण जो है जीवन जीने की जो है जो जरूरत भी पड़ी उसको जीना भी पड़ा, और वो आने वाले समय की भी अब आवश्यकता भी है। मैं जी हाँ, तो कहीं ना कहीं वहां से जो गांधी जी की जो सादगी थी, जो उन्होंने उस वक्त की महामारी को देखकर या उस वक्त की गरीबी को देखकर जो उन्होंने सादगी अपनाई थी, पूरा अपना रहन सहन जो बदल दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी उस जो प्रासंगिकता थी, उस प्रासंगिकता का आज हम यहाँ पर उपयोग करके इस महामारी से कहीं ना कहीं श्रृंखला को तोड़ने में जरूर मदद कर सकते हैं। एक और मुद्दा है जो मैं प्रकाश सर के पास में आना चाहूंगा, लॉकडाउन और कर्फ्यू और ये दम तोड़ती जो अर्थव्यवस्था है, और आज जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उस वक्त उस दौरान गांधी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की थी, तो ये आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत गांधी जी द्वारा उस जमाने में दिया गया था, आज हम इसकी इस परिप्रेक्ष्य में कैसे व्याख्या करेंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? प्रकाश जी। जी हाँ, बहुत सही प्रश्न है आपका ये। गांधी जी अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत ज्यादा महत्व देकर रखते थे जी, क्योंकि जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे हाथ में हो, हमारे पास हो, उस व्यवस्था के साथ में, उस समस्या के साथ में हम खुद जूझे और उस समस्या से खुद लड़े और उससे जीते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा थी। प्राकृतिक चिकित्सा आज के जमाने में हमने फिर देखा है कि इस प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे बुद्धिजीवी, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने कहा है, डॉक्टर लोगों ने कहा है कि दवाई से ज्यादा जरूरी चीज है योगाचार्यता। आप तुलसी हल्दी काली मिर्च गुड़ जैसे चीजों का काढ़ा बनाकर पी लेना, तो ये स्वयं निर्भर आत्मनिर्भर की बातें हैं कि ये सब चीजों से बचने के लिए, कोरोना से डरने के लिए, बचने के लिए हमको मेडिकल की दुकान में ना जाते हुए अपने घर के ही गलियारे में, घर के किराने की दुकान, घर के जो किचन है वहां पे हमें क्या मिलता है, हमारे घर के बागी के परस बाग में क्या मिलता है, ये सब चीजें जो है। और स्वच्छता सबसे बड़ी बातें हैं कि गांधी जी के दर्शन में हमने देखा कि आत्मनिर्भर मतलब आप किसी डॉक्टर के पास, किसी नर्स के पास जाकर के इलाज कराने से बेहतर है कि आप स्वयं अपनी स्वच्छता कायम करें और स्वयं की सेवा, स्वयं के स्वास्थ्य सुधारने के लिए आप खुद करें। ये घरेलू उपचार के माध्यम से ये आत्मनिर्भरता यहाँ पे आपकी आ जाती है। अब गांधी जी का आरोग्य स्वराज का एक बहुत बड़ी कल्पना थी, उन्होंने आरोग्य स्वराज में जो स्वास्थ्य स्वराज थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा काम उन्होंने किया, और कोरोना जैसे एक महामारी से एक आरोग्य स्वराज के रूप में भी अपने जीवन में लाते हम उसके आराम से लड़ सकते हैं, ये इसमें चीजें है। अब ये कोरोना के समय में या उससे पहले देखा जाए तो बहुत सारा समाज जो है, बहुत सारे लोग जो है, अधिकांश लोग जो है नशा के आदी हो गए जी, सिगरेट, बीड़ी, तमाकू, शराब, बियर, जो भी चीजें हैं, ये सब चीजों से भी अपन दूर जाते हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता यहाँ पे कायम होती है, और जो फिजूल खर्ची जो है हम उससे बचते हैं, और हमारे जो नशा से हमको जो बीमारियां होती है उससे हम बचते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता यहाँ होती है। अब यदि हम अपने आप को बचा के इस तरीके से रखकर अपने जीवन यापन के लिए हमारे जो रोजगार, रोजी रोजगार का काम जो है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये आ गया है। गांधी जी ने कहा है ग्राम स्वराज्य की बात, गांधी जी ने खेती और कृषि कार्य को आगे बढ़ाने की काम किया है, गांधी जी ने गोपालन की बात किया है, तो ये आत्मनिर्भरता अपने घर में ही है। आत्मनिर्भरता हम तो अपने को निर्भर छोड़कर के पराये व्यक्ति पर निर्भर करना था। अब गाँव के लोग रोजी रोटी किसानी के रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए गाँव से शहर जाते हैं, तो ये कोरोना ने यह सिखाया है कि आपको रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। आप अपने गांव में भी कृषि कार्य के माध्यम से, गौ पालन करके, ये सारे चीजों का आप अपने गांव में उत्पादन कर सकते, लघु उद्योग गांव में चालू कर सकते, कुटीर उद्योग गांव में चालू कर सकते,
स्वयं रोजगार छोटे छोटे चीजों में अपन चालू कर सकते। तो कोरोना ने सिखाया कि रोजी रोटी के लिए भी घरदार छोड़कर के परिवार छोड़कर के शहर में जाने की जरूरत नहीं। जी सही, आपने जो कहा कि उस वक्त भी गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों की बात की थी आत्मनिर्भरता के लिए, उन्होंने गांव और सभी तबके के लोगों के लिए लघु कुटीर उद्योग की उन्होंने बात की थी, उसकी चालना भी दी थी, सुचारू रूप से उसको शुरू भी किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे उद्योग जो है आज के जमाने में भी अगर हम सुचारू रूप से अगर उसको मतलब करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता छोटे छोटे उद्योग आज के जमाने के हिसाब से भी कहीं ऐसे छोटे छोटे उद्योग है जिसको हम अगर अडॉप्ट करें करने की कोशिश करें तो आत्मनिर्भरता और एक आर्थिक सुचारू व्यवस्था जो है चल सकती है। जी, तो इस पर मैंने एक छोटा सा अभी प्रयास किया है, गांधी ग्राम करके मेरी संकल्पना है। मैं बहुत पिछले 30 सालों से गांवों में काम करता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो लोगों ने मुझे सीखने का मौका दिया है, मैं लोगों से सीखा है। गांधी जी की कल्पनाओं को मैंने आधार माना है। वो मेरा जो जाति समाज है, वो गढ़वाल समाज है, कोठी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे समाज के लोग सारे लोग पहले बुनकर हुआ करते। तो मुझे आत्मनिर्भरता की बातें मेरे पूर्वजों ने ही सिखाया है। मेरा इतिहास ये है कि हम आत्मनिर्भर थे, हम स्वयं उद्योगपति थे, घर में उद्योग करने वाला ही उद्योगपति कहलाता है। तो ये सब चीजों से सीखा है मैंने। तो अभी जो भारत के एमएसईबी के मंत्री जो है मिस्टर नितिन जी गडकरी साहब, मैं 4 दिन पहले उनसे मिला और मैंने उनको गांधी ग्राम की संकल्पना को जोड़ करके बताया कि गांधी ग्राम गांधी जी के विचारों को यदि हम गाँव में रहते हैं तो गाँव आत्मनिर्भर होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, आत्मनिर्भर गांधी ग्राम की मैंने संकल्पना किया और उनको दिया, बहुत पसंद आया उनको। और उसमें अनेक प्रकार के उसमें हमने विषय को जोड़ा है और गांधी ग्राम से यदि हमने देश में भी किसी सरकार ने किसी उद्योगपति ने गांधी ग्राम की संकल्पना को चालू किया तो हमारा देश बहुत शक्तिशाली होगा, आर्थिक रूप से पूरे विश्व में सक्षम होगा और हमारा हमारे देश का हर व्यक्ति बीपीएल तो रहेगा ही नहीं, हर व्यक्ति लखपति और करोड़पति हो सकता है। ये गांधी जी की आत्मनिर्भरता को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। सर ये आपने जो कहा ये एक प्लान बताया, मैं ओझा सर से पूछना चाहूंगा। ओझा सर, आपने प्रकाश जी की बात सुनी, अब इसको हम अगर प्रैक्टिकल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकली अगर हमें करना है आज के कोरोना, क्योंकि आज किसे कितने समय तक कोरोना हमारे साथ में रहेगा या कोरोना के साथ में हमें कितने दिन जीना है, वैक्सीनेशन आएगा कहीं ना कहीं ये बीमारी चली भी जाएगी, लेकिन आर्थिक तौर पर जो है पूरा समाज जो है पूरा देश जो है कहीं ना कहीं बहुत पीछे आ गया है। तो फिर से उस घड़ी को आर्थिक व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो जैसा गांधी जी की जो कुटीर उद्योग कही या छोटे छोटे उद्योगों को चालना देने की जो बात कही थी ये प्रैक्टिकली क्या आज ये संभव हो पाएगा? या और इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न, इसी जो सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि इस पे भी क्या पॉलिटिक्स बीच में आएंगी, ये बहुत राजनीति इसका जी जी इसका इसका जवाब भी, क्योंकि अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसके ऊपर में पॉलिटिकल की रस्सी खींच तो होनी होनी है। ओझा सर इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं मैं समझता हूं। जी, पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कोरोना महामारी कारण हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व में सारे देशों की हालत बहुत खराब है। जी। पहली बात तो हमें कोरोना से इस समय लड़ने की सही ढंग से आवश्यकता है, सही बातों को समझ के सभी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो या कई स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हो, ये सब आपस में रिलेट करती है, एक समन्वय होना जरूरी है, समन्वय होना काफी जरूरी है। आपका सवाल एक बहुत अद्भुत सवाल था और मैं कुछ बातों से अर्जनवाल जी की बातों से सहमत, क्योंकि गांधी जी जो है उस समय हमारी देश की जनसंख्या जब उनके काल में 15 से 35 करोड़ के आसपास जब तक हो रहे 50 तक रही, उस समय के लिए जो गांधी जी ने 2000 मुद्दा उठाया था जिसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से सूत काटकर खादी के उद्योगों को बढ़ावा दिया, सूत काटकर गांव गांव में उन्होंने ये कहा कि भाई हम अगर सूत खुद काटेंगे, खुद के कपड़े बनाएंगे, खुद इसको सेल करेंगे या कम से कम खुद के बनाए हुए कपड़े पहनेंगे, तो उस समय उस काल की जरूरत थी। लेकिन आज का समय भिन्न है, उनके विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना है तो उस विचारों को आत्मनिर्भर निर्भरता बनने के लिए जैसे आपने कुटीर उद्योग, अब कुटीर उद्योग का नाम बदल के दूसरा हो गया है,
अब अगर वर्ल्ड वाइज आप देखें तो चाइना एक ऐसी कंट्री है कि उसने वर्ल्ड वाइज कुटीर से शुरू किया और बड़े उद्योगों में वो आ गए। वर्ल्ड में किसी को भी, किसी विश्व में किसी भी कंट्री के व्यक्ति को सबसे सस्ती और खराब से खराब क्वालिटी और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कोई वस्तु चाहिए तो चाइना जाता है। अभी क्यों हुआ कि वहां की सरकार ने सब बढ़ावा दिया जी। हमारे देश में अगर गांधी जी की विचारधाराओं को लेकर अगर सरकार काम करती है, मैं अर्जुन वार जी की बात से सहमत ही करता हूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी अगर हमारे गांधी जी के विचारधाराओं को और गांधी जी की बताई हुई सीख को, समानता की सीख को, मेरे ख्याल से कोई ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे ख्याल से अर्जुन वार जी का ऑडियो थोड़ा सा कहीं कहीं बातें आ रही, कहीं आवाज आ रही है तो म्यूट कर, हाँ नहीं मैंने भी म्यूट करके रखा है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो गांधी जी के विचारों को इस केंद्रीय सरकार ने समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गांधी जी के प्रमुख विचार चार थे। सबसे पहला विचार उनका था, जो कि अभी भी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भरता जी, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने आत्मनिर्भरता। बट आत्मनिर्भरता करने के लिए सरकारों को प्रयास करने पड़ते हैं, आत्मनिर्भरता निर्भर बनाने के लिए व्यक्तियों को दिशा देनी पड़ेगी इस देश के। आज जो हमारा देश का युवा है, मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूंगा, हमारा देश का जो युवा है 20 से 25 साल का या 28 साल का, वो अलग भ्रम में जी रहा है जी। और एक 28 से 35 साल का भी युवा जो है, एक उसने एक सदी देख ली है सक्सेस की, 2095 से लेकर 2014 तक या 2015 तक की सदी देखी, जिसने सफलता अपने पिताजी की देखी और अपनी सफलता देखी है जी। उस सफलता के आधार पर उसने अपने बच्चों को जो इस समय 20 और 22 के हैं उनको पढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, चाहे वो 45-50 का हो गया हो, उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं से लोन लिया है, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अपना मकान गिरवी रख दिया है जी। या अपन ने खुद ने जो तनख्वाह जो उसको मिलती थी, जो पिछले सदी में जिसने काम किया है, सदी समझो कि पिछले दशक में अलग दुनिया थी, इस दशक में अलग है जी। और आजकल तो जो चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वो इतने जल्दी बदल जाता है कि ऐसा समझ ले कि एक साल में पूरी पीढ़ी बदल गई है। सर जो मोदी सरकार ने जो इतना अमाउंट 21 लाख करोड़ जो सैंक्शन किया था, क्या इससे आत्मनिर्भर के लिए वो दिशा नहीं दिखा रहे, आपका ये कहना है? देखिए जो पैकेज घोषणा हुई थी, पैकेज जो बना, बिल्कुल आपकी बात से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा भाई। आज मैं इसलिए मैं डायरेक्ट कोई बात नहीं बोला कि गांधी जी के विचारों को लेकर हम बैठे हैं जी। हम अहिंसा की बात करके बैठे, इसलिए मैं लेकिन उनकी बात को आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, एक सक्षम पढ़ा लिखा आदमी, एक बुद्धिजीवी आदमी और जिसको थोड़ा सा अपनी बात पढ़ी लिखी बातों को समझता है, मैं किसी को अनपढ़ नहीं कहना चाहता, जो पढ़ लिख के रिसर्च करना चाहता है, ये कोई भी व्यक्ति 20 लाख करोड़ के पैकेज को निराधार, बकवास, कोई आधार न रहता रहा हुआ ऐसा पैकेज बोल सकता है। एज ए पॉलिटिशियन पर्सन, एज ए राजनीतिक आदमी, एज ए मैं एक स्नातक हूं, मैंने डिग्री ली हुई है, मैंने जब उस पर विश्लेषण किया, इस पैकेज का कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर जीएसटी के अंदर कोई पैसा किसी का देना बाकी है जी, अगर किसी को इनकम टैक्स का रिटर्न का रिफंड देना बाकी है, अगर किसी भी तरह की योजनाओं में सिलेंडर का कुछ सब्सिडी बाकी है, तो ये सारा पैसा जोड़ के अगर आप 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाओगे, या कोई टेंडर का कोई स्कीम बाकी है जिसके लिए आपने घोषणा कर रखी है और काम नहीं हुआ, उसका पैसा भी जोड़ के अगर 20 लाख करोड़ आप बता रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इस तरह का पैकेज ये देश के लिए आत्मनिर्भर बनने वाला हो ही नहीं सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ, वो नहीं है, मैं राजनीतिक बात करूं, लेकिन मैं इसमें इस बात पे जोड़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी की सरकार आई, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं रत्नाकर जी, आप जरा जी मैं सुन रहा हूं।
कि 2014 में जब भाजपा की सरकार आई जी, और भाजपा की सरकार को आने के लिए करीबन जिस तरह से जिस मेजॉरिटी से आई, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस की आरएसएस हो, इनको करीबन 60-65-70 साल संघर्ष करना पड़ा अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जी, चाहे वो किसी भी रूप में उन्हें पहुंचाई, और जनता ने उनको बहुमत देकर जोरदार तरीके से जिताकर हाउस के अंदर में पहुंचा दिया था। अब उनकी ये जवाबदारी बनती थी कि इस देश को से जो विचार का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, जो उन्होंने इस देश को बढ़ाने के लिए वादे किए हैं, उन वादों को लेकर इस देश को बढ़ाए। लेकिन मुझे ये लगता है एक आम आदमी होने के नाते कहीं ना कहीं उनसे चूक ये हुई है कि जो प्रशासनिक काम करने वाले जो लोग थे, उनके आने के बाद कई आपदा आई, उन्होंने नोटबंदी की थी, उनके बाद कई तरह की तकलीफ आई, कोरोना आ गई जी। ये जब देश में उथल पुथल का माहौल हुआ, व्यवस्था चरमराने की पोजीशन में आई, उस संकटकालीन दौरों पे जिन लोगों ने इस देश को संभालने का काम किया है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या भूतपूर्व विरोधी पक्ष नेता हो या भूतपूर्व अभी के नेता हो, जिन लोगों ने इस देश को उस परिस्थितियों में संभालने का काम किया था, उन लोगों को इस प्रशासन से दरकिनार करने का प्रयास किया, उनके विचारों को नहीं सुना गया, उनके तजुर्बे का कोई लाभ नहीं लिया गया, तो इसका कारण ये हुआ कि जैसे ही इनके पास सरकार आई, इनको कोई अनुभव नहीं था। मैं सीधा रूप से आरोप करना चाहता हूं, जिन प्रत्यक्ष जो तकलीफें थी, उस तकलीफों को निपटने का जिन लोगों को इन्होंने प्रशासनिक अधिकार दिया था, उनको इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं था। प्लस तुरंत में विचारधारा भी इनकी बदली हुई थी, जो भी जिस तरह की भी हम इस पर चर्चा आज नहीं करेंगे। इसके कारण व्यवस्थाएं हमारी चरमरा गई, और व्यवस्था चरमराते 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 हम यहां तक पहुंच गए, और ये हमारे पर कोरोना जैसा महामारी का संकट आया। तो जो इस तरह की कई महामारियां छोटी बड़ी, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे इसके पहले भी आ चुकी है जी जी, कई तरह के संकट इस देश में आए, छोटे छोटे संकट आए, जिसमें पिछले सरकारों ने बड़ी दृढ़ता के साथ, ताकत के साथ, जनमानस को साथ में लेके, लोगों की विचारों को, भावनाओं को, धर्मों को, सबको साथ में लेके उन लड़ाइयों को लड़ा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कहीं ना कहीं हो सकता है मोदी जी बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हो, या उनके तक ये बातें पहुंच नहीं रही हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को निपटने के लिए एक जो सिस्टम काम करना चाहिए था, उस सिस्टम पे कहीं ना कहीं राजनीति का दबाव या राजनीति इच्छा शक्ति या राजनीति का कोई दूसरा लाभ लेने का प्रयास किया गया है। क्योंकि दिसंबर महीने से लेकर हम 18 मार्च तक सब चीजों से अनभिज्ञ होकर अपने दूसरे एजेंडों, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा मैं, उन एजेंडों पे काम करने के हुए हम कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज किया है, इसलिए आज हम इतने बड़े संकट में फंसे हुए हैं। ये तो इस देश में अभी तक वो पिकअप नहीं आया है जी। प्रकाश जी आ रहे हैं आपके पास में? हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि हो सकता है इसके कारण, इस व्यवस्था के कारण, या हम लोगों की इतनी इम्यूनिटी सिस्टम फर्टिलाइजर खा के इतनी मजबूत हो गई है कि हम कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस महामारी को रोक पा रहे हैं। लेकिन सरकारी यंत्रणाएं, सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल हुई है, ये दिखने में आ रहा है। केंद्र सरकार का समन्वय राज्य सरकारों उसके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है, इसमें बिचारी जनता फंस रही है। मैंने आपको उस दिन भी मेरे आपके यहाँ के कार्यकाल का जी अभी हमने आपसे बात की थी जी, मैंने उस दिन ये भी कहा था कि नागपुर शहर का संकट बढ़ते जा रहा है, राजनेताओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर बैठकर चर्चा कर ये काम करे, ताकि हमारे शहर की जनता तकलीफ ना पाए। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा मुंडे जी को और हमारे जोशी जी को कि उन्होंने इमीडिएट दूसरे दिन बैठकर साथ में बैठकर
कहीं ना कहीं सांसद जो बनाने की कोशिश करिए, जो जनता को दिख रही है अंदर क्या बात है उसके बारे में हमें वो कहने की चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस किया है जिसका चार पांच दिन के अंदर कुछ न कुछ लॉकडाउन पे असर दिखा है, लेकिन संख्या बढ़ी है जी, संख्या बढ़ती बहुत बुरी तरह से जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं नागपुर के, बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। चलिए प्रकाश जी आप हमारे पास में अभी समय की भी कमी है, समय भी इशारा कर रहा है कि हमारे ये चर्चा हमें जल्दी इसको विराम भी देना पड़ेगा। प्रकाश जी आपकी बात। तो इसमें ओझा साहब ने बहुत सारा विस्तृत जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया है, मैं उनके विचारों से सहमत भी हूँ, क्योंकि ये जो आफत मोल लेना जी ये कहावत है, गांव की कहावत है कि आ बैल मुझे मार, उसका दूसरा हिंदी में भी हमने अनुवाद किया तो आफत मोल लेना जी, तो आफत मोल लिया गया है, कोरोना को खरीद के लाया गया ऐसा हुआ है ये, अदरवाइज कोरोना से हम लड़ सकते थे, कोरोना को दूर रख सकते थे, कोरोना के साथ में सही नियोजन सही प्लानिंग से हमारे देश की सरकार ने नहीं किया। जब कोरोना विश्व में कहीं चीन में था, 31 जनवरी को हमारे भारत में कोरोना आ चुका था, तो हमारे देश की सरकार हमारे देश के आला अफसरों ने दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहे, और हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय भी ये सब चीजों को बहुत देखते रह गया, और हुआ ये कि कोरोना फैलते गया। इसी बीच में कोरोना के समय में हम कोरोना से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो आफत मोल लेने का काम हमने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाकर के लाखों की संख्या में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने दिया गया, और वो काम देश विरोधी साबित हुआ, और उससे भी हमारे देश में कोरोना बड़े पैमाने में बढ़ा है। तो राजनीति में यहाँ पे जो सत्ता शासन प्रशासन ने जो काम किया है मुझे देखने को आया है कि थोड़ी सी अनुभवहीनता केंद्र सरकार की रही है, थोड़ी सी अनुभवहीनता राज्य सरकार की रही है, और इतने आला अफसर प्रकांड पंडित के रूप में बड़े वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोगों ने भी हमारे इस देश को कमजोर होने में, आर्थिक रूप से कमजोर होने में, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में, मैं निश्चित तौर से बड़े नम्रता विनम्रता के साथ में मेरा आरोप भी नहीं है कि सत्य साबित हो सकता है कि हमारे देश की सरकार इसमें मतलब भागीदार है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में। क्या हम इसमें ऐसा समझ सकते हैं प्रकाश जी कि गांधी जी की जो विचारधारा है उस गांधी जी की विचारधारा को एक परिचालन में लाने की जिम्मेदारी जिन राजनीतिक नेताओं पर थी, चाहे फिर वो किसी भी पक्ष के हो, तो कहीं ना कहीं वहीं से उस पर अंकुश लगाया गया? बिल्कुल, वो असफल हुए हैं, बिल्कुल इस बात को मानना ही पड़ेगा, और इसको आज भी स्वीकार करने की जरूरत है, कोरोना को डरा कर रखने की जरूरत नहीं है, गांधी जी हर डरी हुई चीजों का स्वयं जाकर के मुकाबला करते थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से मुकाबला करते थे, वो वहां पे अस्पृश्यता निवारण के लिए जाकर लोगों के साथ में काम करते थे, मैंने जैसे ही बताया कि आपको मतलब अनेक लोगों के साथ में होता था, तो दंगों में भी बीच में चले जाते थे, तो आज कोरोना में जनता दूर क्यों रह गई है? कोरोना में सारे नेता मंत्री सरकार वरिष्ठ समाज सेवक मुन्ना ओझा रामकिशोर ओझा जैसे भी लोगों ने मिलकर के शांति यात्रा निकालने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को डराने की जरूरत नहीं, आप जाइए रोड में जाइए कि उसमें बताइए कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं, दूरी बना करके डिस्टेंस एजुकेशन के साथ में अवेयरनेस की जरूरत है, और मैं तो यहाँ कहूंगा कि गांधी जी आज भी हमारे कोरोना काल में दिखाई दे रहे हैं, जो कोरोना के मरीज हैं, लोग जो डॉक्टरों के पास में अस्पतालों में जो भर्ती हैं, इतना डराया जा रहा है, फिर भी लोग डॉक्टर लोग गांधी बन के सेवा कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवा कर रहे हैं, मैं उनको गांधी मानता हूँ, जो नर्स लोग काम कर रहे हैं, जो स्वयं सेवक लोग काम कर रहे हैं, जो स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं डर कर बिल्कुल निडरता के साथ में, मैं उनको गांधी मानता हूँ। तो गांधी जी को मैं अभी भी देख रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी का यही स्वरूप है, गांधी जी तो चले गए लेकिन गांधी जी आज भी अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टरों के बीच में दिख रहे हैं, स्वच्छता कर्मियों के बीच में दिख रहे हैं, और आप जैसे पत्रकारों के बीच में भी दिख रहे हैं कि पत्रकार भी जनता की समस्या को लेकर के भीड़ में जाता है, वो भी निर्दर्शक के साथ जाता है, तो गांधी का स्वरूप मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं मुन्ना श्री रामकिशोर ओझा जी का भी मैंने बहुत सारा कार्यक्रम देखा है, बहुत सारा टीवी में मतलब मैंने देखा है, यूट्यूब में मैंने उनके कार्यक्रमों को देखा, अखबारों में मैंने पढ़ा है, तो मैं तो समझता हूँ कि गांधी जी का स्वरूप श्री रामकिशोर ओझा साहब भी, तो गांधी जी आज भी है, तो गांधी जी का हम यहाँ पे
इस तरीके से कई प्रकार का काम हम लोग गांधी जी के स्वरूप को देख करके कोरोना से हम लड़ सकते हैं, कोरोना को हम डरा सकते हैं और कोरोना को हम भगा सकते हैं। उजा जी, चलते चलते आप भी बताइए कि गांधी जी की जो विचारधारा है इससे हम इस बीमारी से किस तरह से निजात पा सकते हैं। गांधी जी की विचारधारा जी, प्रकाश जी आपकी बात जी जी बोलिए 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 प्रकाश। हाँ बोल लीजिए। आत्मनिर्भरता की बात यहाँ आई थी जी, तो आत्मनिर्भर भारत लोगों को लग रहा है कि राफेल लेने से, राफेल जो एक प्रकार से राफेल बोलो तो मैं राक्षस समझता हूँ उसको, राफेल का दूसरा नाम राक्षस, राफेल बोलो तो किसी की जान लेने वाला एक हथियार है तो राक्षस ही। हमने राम को देखा था और रावण को भी देखा था जी। हमने श्री कृष्ण को भी देखा था, दुर्योधन को भी देखा था, अब इनमें से राफेल को क्या समझे। तो राफेल लेकर के हम आत्मनिर्भर भारत को नहीं समझ सकते। हमें शांति की जरूरत है और अहिंसा की जरूरत है और ग्राम विकास की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है, नशा को बंद करने की जरूरत है, देश के संरक्षण पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत है। हमारा देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर होगा, कृषि कार्य को आगे बढ़ाकर होगा, बड़े बड़े उद्योग लगाने से हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, छोटे छोटे कृषि कार्यों में सही मायने से सत्य का साथ लेकर के भी हमने सहयोग किया तब जाके हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। जी बहुत अच्छी तरह से आपने जी एक इसी बात को लेकर के हम आत्मनिर्भरता के साथ में हमारे गांधी दर्शन को हमने जोड़ा है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच का आने वाला दो प्रोग्राम हमारा है जी। दो प्रोग्रामों में यह है कि हम पूरे भारत में अभी तक के हमारे 26 जगह में हमारे प्रोग्राम तय हुए हैं जी। और उसमें हम लोग बरगद पीपल नीम जी, बड़ पीपल नीम पौधारोपण का काम हम कर रहे हैं जी। मैं यही पूछना चाहता था प्रकाश जी कि आप जो गांधी जी की विचारधारा है इसको जनमानस तक कैसा पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, इसका आप जवाब दे रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा सवाल है सर, यही सवाल के लिए मैं समझ रहा था कि मुझे कोई पूछे तो मैं बताऊं जी। गांधी जी को मैं कैसे समझता हूं, गांधी जी क्या थे, गांधी जी कौन थे, ये पुस्तकों में पढ़ करके लिखा गया है, PhD किया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं गांधी जी को कहां देखता हूं, मैं कहता हूं कि गांधी जी हर मन में गांधी हो, हर घर में गांधी हो, इसमें जात पात नहीं, पक्षपात नहीं, और गांधीवाद को मैं नहीं मानता जी। क्योंकि गांधी जी किसी वाद और विवाद में कभी रहे ही नहीं जी। गांधी एक दर्शन, एक विचार है, गांधीवाद नहीं है। तो गांधी जी को मैं हर मन में देखना चाहता हूँ, हर घर में देखना चाहता हूँ, और कहा जो नशा ना करे हुआ गांधी को उसको मैं गांधी समझता हूँ, जो द्वेष ना करे वो गांधी है, जो घृणा ना करे वह गांधी है, जो पक्षपात ना करे वह गांधी है, जो सत्य के मार्ग में चले वह गांधी है, जो पौधारोपण करे वह गांधी है, जो कृषि कार्य करे वह गांधी है, जो अपना स्वयं रोजगार करे वह गांधी है, किसी के दुख को बांट ले वह गांधी है। तो गांधी जी को हम इस तरीके से ढूंढ रहे हैं और हर घर में हर मन में हम गांधी जी को लेके जा रहे हैं। और जहां तक हिंसा अहिंसा की बात है तो हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को हम हर गांव में शांति दूत और हर शहर में शांति दूत बना रहे हैं। और इस शांति दूत बनाने का हमने अभी तक के लाखों लोगों को शांति दूत बनाया है। तो रत्नाकर साहब, हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच में हमने 2 अक्टूबर 2018 से अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति यात्रा निकाला है, गांधी शांति और वैश्विक आयोजन हमारा चल रहा है। अभी तक के हमारे संगठन के माध्यम से हमने 8 राज्यों का दौरा किया है जी। और हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ी है, हमारा लक्ष्य विद्यार्थी और यूथ है, हम इनके बीच में काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे शुभकामनाएं भी आपके साथ में सर, एक अच्छा उपक्रम आप चलाने जा रहे हैं। और समय की कमी होने की वजह से सर मैं चलते चलते ओझा सर से भी पूछना चाहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कोरोना की पार्श्वभूमि पर चलते चलते वो किस हिस्सा कैसे इस स्थिति को जोड़ते हैं गांधी जी विचारधारा से, और कैसे हम कोरोना से फिर इस विचारधारा को लेकर बाहर आ सकते हैं या कैसे जूझ सकते हैं। ओझा जी, गांधी जी जैसा कि मैंने कहा है प्रासंगिक विचारधारा है। गांधी जी के जो दिनचर्या थी, अगर आप कभी सेवाग्राम गए हैं, आपने अगर देखा है जी, जरूर देखा है, एक तो खुद के काम खुद करना जी, सहकार्य, चाहे वो अपने कपड़े धोने हो, आज की स्थिति स्वयं शासन, घर पे स्वयं शासन, अनुशासन, स्वयं शासन। तो मेरा तो इस देश की, इस शहर की, जो भी आपकी विवर्स है, शहर की जनता को मेरा एक गुजारिश है कि हम एक बहुत बड़े
मुसीबत में फंसे हुए हैं जी, कि हमारी परिस्थिति जरा देश की विभिन्न है, भिन्न है। हमारा युवा हमारे घर बैठने जा रहा है, हमारी पूरी चीजें जो हमारी उपयोगिता की चीजें थी वो हमारे काम आने वाली नहीं है जी, और हमें आगे का जीवन जो जीना है उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात ये, इस कोरोना के बीमारी का जो भी निर्णय होगा ये कब हमको छोड़ के जाएगी या हम किस तरह से इससे लड़ेंगे या हमारे देश की सरकारें इसको किस तरह से हमारा पीछा छुड़ाने में हमारी मदद करेगी, ये सारे चीजें जो है ये तो है ही, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करके अपने अंदर में एक इच्छा शक्ति का निर्माण करना, अपने आप का मनोबल नहीं नीचे गिराना और अपने मनोबल को ऊंचा करके हमें इस सारी कठिनाइयों से पार पाना है तो गांधी जी को आत्मसात करना बहुत जरूरी है, चाहे वो अहिंसा का मार्ग हो। हमें अहिंसा का मार्ग इस सिचुएशन में ये कहा जाता है, कहना पड़ सकता है कि हम ये सारी परिस्थितियों को लेकर पैनिक ना हो, जिससे हमारी मानसिक स्थिति और हमारे शरीर का रक्त संचार न बढ़े, तो हम कम से कम अपना मेडिटेशन करें और हमारे शरीर के साथ अहिंसा का बर्ताव करें ताकि हम कहीं ना कहीं इस पैनिक स्थिति में अपने आप को खराब न करें, अपने शरीर की तरफ ध्यान देवें, स्वच्छता का पालन करें, कम से कम चीजें ऐसी इस्तेमाल करें जो ज्यादा खराब ना हो। मैं मेरे बच्चों को भी कहता हूँ, हम जब खाना खाने सब लोग टेबल पर बैठते हैं तो प्लेट के अंदर एक चम्मच भी खाना छूट जाता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा एक चम्मच आप छोड़ रहे हो, ये अनाज का एक दाना जो आप देख रहे हो ये आपके घर तक और आपके किचन तक और आपके किचन में आपके मम्मी ने आपके प्लेट तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों का हाथ और कितना प्रयास लगा होगा, ये उसकी महत्व समझिए। एक किसान ने पहले खेत को जोता है, उसको ठीक किया है, अनाज बोया है, अनाज को पानी दिया है, पकाया है, निकाला है, साफ किया है, मंडी में भरा है, दुकान मंडी में जाके बेचा है, मंडी से पैक हुआ है, पैक होने के बाद कई जगह घूमते 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 आपके घर के पास दुकान में आया और दुकान से आप घर पे आया, उसके बाद आपकी माँ ने, आपकी भाभी ने, आपकी पत्नी ने धोकर आपके लिए पकाया है, तो इसका महत्व समझिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, कि आप जो अनाज जो हम देखते हैं किस तरह से खराब करते हैं, कई चीजों के फायदे हो सकते हैं। अनाज हम बचाएंगे अगर घर में 100 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम भी अनाज बचा लेते हैं, रत्नाकर जी जी जी, 1 करोड़ 50 करोड़ परिवार में आप हिसाब लगा लीजिए, 10 ग्राम अनाज बच गया, बिल्कुल तो एक महीने का राशन पूरे देश का बचेगा जी। बस जो चीजें खराब कर रहे हैं उसे बचाए, परिवार को परिवार समझे, ना कि हम भाग दौड़ की जिंदगी जी है, उस भाग दौड़ की जिंदगी परिवार को कभी समय नहीं दिया है हमने, हम बाहर की एक बनावटी नाटकीय दुनिया में जिए हैं, परिवार को समय दें, बच्चों को समझें, बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके फ्यूचर को देखें, उनके फ्यूचर को आज के आने वाले कोरोना युद्ध के बाद आने वाले समय में डालें, यही गांधी जी की मन की बात होगी और आत्मा साथ उनको उनका होगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, पारिवारिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे अगर इन चीजों का पालन करेंगे तो, बिल्कुल सही कहा, स्वस्थ है परिवार, स्वस्थ है समाज, स्वस्थ है अपना परिसर, स्वस्थ है तो भाई साहब ये मोहल्ला भी स्वस्थ रहेगा, ये शहर भी स्वस्थ रहेगा और ये देश भी स्वस्थ रहेगा और ये विश्व भी स्वस्थ रहेगा। इतना हमें समझना चाहिए, बहुत न्यायित जरूरी है और हमको प्रैक्टिकल बनना चाहिए, विचार योग्य बनना चाहिए, ना कि आंख पे पर्दा डाल के जो सामने जो चीजें दिख रही है उसको देख के कुछ चीज में आगे बढ़े। इतना ही शहर की जनता को कहना चाहता हूँ और गांधी जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने सर विश्लेषण किया है, मैं आऊंगा इमरान सर के साथ में। सर आपकी कंक्लूजन टिप्पणी, इमरान जी आपने पूरी बातें सुनी, आप म्यूट है इमरान जी। जी सर, जिस तरह से ओझा जी ने और प्रकाश जी ने जिस तरह से बात बताई कि जो विश्व में जो महामारी आई है और भारत देश बोलो या पूरा विश्व इससे पहले भी ऐसे महामारी से जूझ चुका है, तो ये समय है आत्मनिर्भर बनने का। जी हाँ, आप इसके दो एक अलग अलग बात जिस तरह से बताई कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए और क्या, ओझा जी ने भी जिस तरह से बताया और प्रकाश जी ने भी बताया, आत्मनिर्भरता जी बने
जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं उसके पहले गांधी जी ने भी कहा था, और जो अभी ये समय है जो लोगों को एकजुट आके जो जो सादगी के साथ जीना चाहिए, जो जीना सादगी के साथ जीवनचर्या, आज तो पूरी दुनिया में सब लोगों को पता चल गया कि जीने के लिए क्या चाहिए जी। हाँ, जो बाकी चीजें वो लोग परिवार से जो दूर हो चुके थे, जैसे ओझा जी ने कहा कि लोग पहले टीवी पे, मैं चाहूंगा कि अगर लोग बैठे हैं तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, टीवी के साथ साथ मोबाइल में व्यस्त रहते थे आप टीवी तो ठीक है, हमारे जैसे चैनल टीवी पे के माध्यम से आपको कुछ जानकारी भी देते हैं, देश और दुनिया की खबरें बताते हैं, तो टीवी भी बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सुन रहे आपकी इस बात को। जी जी, और साथ ही साथ ही अपने परिवार से दूर होते, अपने काम में जिस तरह से व्यस्त रहते थे लोग, और उसके बावजूद अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पाते थे, कोरोना ने ये चीज सिखा दी। और उसके बाद जो खाने में लोग अलग अलग प्रकार के, मतलब खाने में कहीं कंट्रोल नहीं रहता था, और आज लोगों ने बता दिया कि कोरोना महामारी ने सही बता दिया कि खाने के लिए जो दो समय का खाना टाइम पे और सही समय में लगता है वही ज्यादा जरूरत है, और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी अगर अपना इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो हम आगे लड़ पाएंगे। जी हाँ, गांधी विचार विचार बहुत जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। मैं दर्शकों से अब बात करना चाहूंगा चलते चलते। मुझमें ही तो रावण है और मुझमें ही राम, मुझमें ही कहीं कृष्ण है तो मुझमें ही कहीं कंस होता है। तो कहीं आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा अगर मैं गांधी मुझमें जगा लूं, मैं कुछ स्वच्छता का अनुकरण कर लूं, मैं कुछ स्वयं शासन का अनुसरण कर लूं, मैं कुछ लोगों की सहायता के लिए अगर आगे आ जाऊं, तो इतना गांधी अगर मैंने अपने आप में जीत लिया तो क्या मैं कोरोना से नहीं लड़ सकता। ये आज की इस परिचर्चा का यही हम आज सार्थकता होगी, अगर हम सभी लोग थोड़ा थोड़े गांधी जी हमारे आप में जिए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना से भी हम जीत पाएंगे। जरूरत है हमें अपने आप को स्वयं शासित करने की, अनुशासन में रहने की, एक बेहतर भारत बनाने की, बेहतर घर बनाने की, बेहतर परिवार बनाने की। ऐसी किसी चर्चा के साथ में फिर आपके साथ में फिर से साथ मिलित होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में इन विशेष न्यूज पर। मैं सभी पैनलिस्ट का, ओझा जी का और प्रकाश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इमरान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।